नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूँ सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संघ लोक सेवा आयोग ने 30 मई को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 2021 के परिणाम हुए घोषित। शीर्ष 3 रैंक पर लड़कियों का कब्जा। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ियों को सीट न मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दिया बयान। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर मामले के सर्वे से जुड़े हुए वीडियो सुनवाई के बाद हुए लीक। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बड़े भाई का हुआ निधन। कुछ महीनों से चल रहे थे बीमार, कांग्रेस में शोक की लहर। विपक्ष के आरोप पर रंजन ने दिया जवाब। लोक सेवा आयोग ने 30 मई को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 2021 के परिणाम घोषित किए, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया की श्रुति शर्मा ने सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया और ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया। श्रुति शर्मा ने कहा, मैं अपने परिणाम से बहुत खुश हूँ। मेरी रणनीति अखबारों से अपने नोट्स बनाने और बेहतर प्रस्तुति के लिए उत्तर लेखन अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने की थी। मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए किया है। आपको बता दें, इस साल सभी शीर्ष 3 रैंकों पर लड़कियों ने कब्जा किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के इन 10 स्टूडेंट्स ने भी सफलता हासिल की है। इसमें श्रद्धा शुक्ला ने 45वीं रैंक, अक्षय पिल्ले ने 91वीं रैंक, ईशु अग्रवाल ने 88 रैंक, पूजा साहू ने 99वीं रैंक, प्रखर चंद्राकर ने 102 रैंक, मयंक दुबे ने 147वीं रैंक, प्रतीक अग्रवाल ने 156वीं रैंक, दिव्यांजलि जायसवाल ने 216वीं रैंक, अभिषेक अग्रवाल ने 252वीं रैंक, आकाश शुक्ला ने 290 रैंक हासिल किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की डिप्टी कलेक्टर अनुराधा अग्रवाल का चयन यूपीएससी में हुआ है। उन्होंने 598 रैंक लाकर यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में कांग्रेस ने 2 सीटों में उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को भेजकर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया मान सम्मान और गौरव की सिर्फ बातें ही करते हैं। जब नेतृत्व लेने की बात आती है तो इधर उधर से राज्यों से नेता आउटसोर्स किए जाते हैं। ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई योग्य नेता नहीं है जो राज्यसभा जा सके। अब तो ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़िया गोबर बिनेंगे, परदेसिया राज्यसभा जाएंगे। अब तो ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़िया गोबर भी नहीं, परदेसिया राज्यसभा जाही, बाकी सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन बोरे बासे खाही। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें हिंदू पक्ष द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई थी। और इसी बीच सूबे के कुछ वीडियो लीक हो गए जिसमें वजूखाना दिख रहा है। इसमें ज्ञानवापी की दीवारों पर कलाकृतियां देखी जा रही है। इसके साथ ही दीवारों पर त्रिशूल के चिन्ह भी देखे जा रहे हैं। पहली बार तहखाने का ये वीडियो सामने आया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर परिसर मामले को एक सिविल जज से एक जिले जज में ट्रांसफर करते हुए कहा था कि इस मुद्दे की जटिलताओं और संवेदनशीलता को देखते हुए यह बेहतर है कि एक 25-30 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी इस मामले को संभाले। बता दें कि सर्वे रिपोर्ट का वीडियो लीक होने के मामले ने तुल पकड़ ली है। वीडियो कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के कुछ देर बाद ही लीक हो गई और टीवी पर चलने लगी, जिसके बाद अब हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि हम लोगों ने अभी तक सर्वे रिपोर्ट को खोला भी नहीं है और ये टीवी पर चलने लगी है। हमारे पास सर्वे रिपोर्ट के लिफाफे सील बंद रखे हुए हैं और उन्होंने इसके साथ ही सील बंद लिफाफे भी दिखाए। उन्होंने कहा कि वीडियो कहां से लीक किया गया ये पता लगाना बाकी है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बड़े भाई एवं जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपत साहू का निधन हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक भूपत साहू कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। भूपत साहू का अंतिम संस्कार गृहग्राम बासिन बालोद जिला में किया जाएगा। आपको बता दें कि भूपत साहू बालोद जिला के मंडी अध्यक्ष सहित कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों पर रह चुके थे। साहू के निधन से दुर्ग और बालोद जिले में कांग्रेस जनों में शोक की लहर है। विपक्ष का आरोप है कि छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाहर वालों को मौका दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ माता का अपमान है, जिस पर राज्यसभा उम्मीदवार श्रीमती रंजीत रंजन ने कहा, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। मैं सल्यूट करती हूँ छत्तीसगढ़ को, राजस्थान को, कर्नाटक को। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, यह देश की और एक पार्टी की। कहीं पर आपका घर भरा पूरा है। हमारे मुख्यमंत्री है, 60 MLA है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और बड़ा बड़ा सोचती है। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के लोग इतना छोटा सोचते हैं। जहां पर हम मजबूत नहीं है उसको मजबूती देनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम विधायक समझ रहे हैं, क्योंकि चिंतन शिविर में मैडम ने बात कही है, वक्त आ गया है हम लोगों को अपनी पार्टी के लिए, आपके पार्टी ने जितना दिया है उसको वापस देने का समय आ गया है और मुझे जिम्मेदारी मिल रही है। हर राज्य में बाहर के लोग भेजे,
एक कोई मुरुगन है जो तमिलनाडु में मध्य प्रदेश से और केंद्र में मंत्री हैं, उनसे पूछो पहले उनका जवाब लेके आए। अच्छा दूसरा, ये दक्षिण भारत के लोग मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, उसका क्या जवाब है? छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान जो है, ये भारत का नागरिक होना चाहिए, छत्तीसगढ़ पहचान। यहाँ सबसे ज़्यादा भाजपा इधर से उधर करती है, लोगों को भेजती है, उनको उनको वो क्या है ना, वो लोग होमवर्क नहीं करते, बिना पूछे बयान दे देते, और आप लोग जवाबी सवाल नहीं पूछते। पूछते हैं आप, क्या आप बताइए कि किस तरीके से उनसे क्या ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में जो आने वाले दिनों में आप लोग करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के मुद्दों की, छत्तीसगढ़ की समस्याओं की, छत्तीसगढ़ की परेशानियों को मुखरता से उठाना, और केंद्र सरकार से जो है और राज्य सरकार के स्तर पे यहाँ की जनता की उन समस्याओं का हल करवाना प्रमुख प्राथमिकता होगी। विपक्ष पहले छत्तीसगढ़ पहले आ रहा, आप पहले भी आ चुके हैं छत्तीसगढ़? हाँ आ चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी पहले, कई बार छत्तीसगढ़ आए, और उस जमाने से रायपुर तो किस जमाने से आते रहे। और मैंने IPL के मैच मैंने दिए थे, जब मैं IPL के चेयरमैन था तो जो यहाँ 3 साल मैच हुए तो मैंने यहाँ छत्तीसगढ़ को दिया। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।